वेट, वो सेम मैं तुम्हारा कर सकता हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ बस, मैं बस बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि आप मुझे हिमलैंड से बाहर निकाल दोगे? भाई दैट वाज अ गुड जोक। ले भाई मैंने खोल दी बुक, क्या करोगे, करोगे क्या मेरे? ओ माय गॉड, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, थैंक गॉड मेरे पास यहां पर। व्हाट व्हाट व्हाट, पीछे तो देखो स्मार्टी भाई, व्हाट द हेल इज दिस प्लेस, साइड में भी देखो थोड़ा सा, साइड में मेरे पाइटर लोग है। एक सेकंड रुको, उन लोगों को ना एक ऐसे आ रहे हैं भाई, तुम्हें खत्म करने आ सकते हैं वो, उनको हल्के में मत देना भाई। सोल्ट गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस यार आज हम लोग बात करने वाले हिमलैंड्स के बारे में। तो फाइनली गाइस हिमलैंड्स का एक नया एपिसोड आ चुका है। तो गाइस यार आज हम लोग हिमलैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस आज हम लोग उस वीडियो के अंदर से कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स देखने वाले हैं जिसे लिटरली 99.9% बंदों ने नोटिस नहीं करा होगा। और आज हम लोग ये भी देखने वाले हैं क्या हिमलैंड्स में कुछ बिग क्रिएटर्स ज्वाइन करने वाले हैं लाइक सेनपाई स्पाइडर और गेमर फ्लिट। और ये सब चीज मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो को कम्प्लीट वॉच करो सब कुछ पता चल जाएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं करा तो जरूर से कर देना। आप लोग वीडियो को देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज यार जरूर से कर देना। गाइस नीचे में कमेंट सेक्शन पे सभी लोग स्पैम कर दो गाइस, हिमलैंड्स इज बैक। सो ओके गाइस, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने पहली हिडन डिटेल के बारे में। तो देखो गाइस इसको काफी सारे बंदों ने नोटिस नहीं किया होगा गाइस, अप्रोक्सीमेटली गाइस 90% बंदों ने ये चीज नोटिस नहीं करा होगा कि ऐसा क्या होता है। तो गाइस मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, उसमें आप लोग ढूंढने की कोशिश करो, मिलता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, एंड अगर नहीं मिलता है तो भी मुझे बता देना। ओह माय गॉड भाई तेज है बंदा, आ जाओ सर जी, आ जाओ सर जी, ओ माय गॉड व्हाट, यहाँ पे देखो कितने सारे विलेजर्स हैं गाइस, ये सारे के सारे वही विलेजर्स हैं जो यहाँ पर अभी पढ़ाई करने के लिए, जैसे विजर्ड है ना अपना आया था बचपन में, ये सेम टू सेम वैसे ही विलेजर्स। आ जाओ तुम लोग एक बारी, अब बताता हूँ मैं तुम लोग यहाँ पे, यस एक दूसरे को मारो, या लेट्स गो, एक तो गया अकेला, क्या करेगा तू, क्या करेगा भाई तू, क्या करेगा भाई तू है अगर इसने एक भी, अगर गाइस यहाँ पे ना विलेजर्स वगैरह उठ गए ना तो दिक्कत हो सकती है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इसको मारूं भाई, मैं कह रहा हूं मैं आ जाऊंगा, अरे भाई तो रुक जा कोई बात नहीं, ब्लास्ट ये देख बहुत तेज है, बहुत तेज है, ही वांट कि मैं यहाँ पर किसी कारण। सो क्या गाइस आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? मुझे पता है आप लोगों ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा, अगर किया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे बता देना, नहीं किया तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें कौन सी हिडन डिटेल थी। तो जैसा गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि स्मार्टी भाई जब फाइट कर रहे होते हैं तो उन्हें एक मतलब की एडवांसमेंट आती है, तो क्या आप लोगों ने ये नोटिस करा था अभी नहीं करा था मुझे जरूर से बता देना। तो ओके गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नेक्स्ट हिडन डिटेल। तो इसे इसमें कुछ दो दो हिडन डिटेल छुपी हुई है और इसे लिटरली मैं 99.9% बंदों ने नोटिस नहीं करा है, मुझे पता है। तो जिसने भी नहीं करा आप लोग इस क्लिप के अंदर नोटिस कर लेना, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, तो आप लोग पहले वीडियो क्लिप देख लो, फटाफट जाना पड़ेगा अपने को, कोई भी एक जगह पकड़नी पड़े, अरे रुक जा भाई मुझे हवा में उड़ के जाना है यहाँ पे, ये चलेंगे उड़ के गाइस। ओके यहाँ से, ओ यहाँ से अंदर विलेजर्स है, आराम आराम से चल, आराम आराम से चल स्मार्टी, लेट्स गो, ओ माय गॉड, 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 भाई साहब एक तो सारे के सारे विलेजर माइनक्राफ्ट के अंदर जो भी है गाइस, ये लोग ऐसे क्यों सोते हैं भाई, आंखें को ये दोनों उल्टे हैं, व्हाट व्हाट बैडू साइड के लिए गाइस, मैं बता रहा हूं ये जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है भाई, आराम से उतर भाई नीचे। ओके गाइस कुछ नहीं करना है अभी, बस मेरे को इन लोगों को मैं जैसे टच कर दूंगा ना यहाँ पे ना हमारा काम हो जाएगा, यूं करके आ जाए बस बढ़िया है, इसको मैं टच करूंगा गाइस मैं यहाँ पर खुद कन्वर्ट हो जाऊंगा, अब मुझे बस एक काम करने दे, मुझे जल्दी करना पड़ेगा गाइस, बस ये दिक्कत है यार, स्मार्टी जल्दी कर क्या करा, बस मैं आ रहा हूँ ब्लास्टर भाई, मैं आ रहा हूँ भाई, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है यार, थोड़ा सा इनफैक्ट अजीब लग रहा है मेरे को, ओके कैसे होगा, ओ माय गॉड भाई साहब, वेट अ सेकंड ऐसे नहीं होगा गाइस, मैं ना अभी यहाँ पर कुछ लैब्स बनाने वाला हूँ, हालांकि इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पर हम लोग ये लगाएंगे ताकि ये यहाँ पर आना सके शाबाश। ऑलराइट गाइस नाउ इट्स टाइम टू डू। तो क्या गाइस आप लोगों को हिडन डिटेल मिला? मुझे पता है नहीं मिला होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें कौन से हिडन डिटेल थे। तो जैसे गाइस मैंने आप लोगों को बोला कि इसमें दो दो हिडन डिटेल छुपी हुई थी, तो जैसे कि गाइस इसमें पहला हिडन डिटेल ये था कि आप लोगों ने देखा होगा कि दो विलेजर जो उल्टे थे वही दोनों ग्लिच कर रहे थे, और गाइस दूसरा हिडन डिटेल ये थी कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक विलेजर जो है सोते हुए अपने सिर को इधर उधर करता है, ये चीज मतलब थोड़ा सा सस्पिशियस है, आप लोग थोड़ा सोच सकते हो कि विलेजर ऐसे नहीं करते हैं सोते वक्त। तो गाइस अभी गाइस मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, इस क्लिप को देख कर बताना ये बंदा आपको किसकी याद दिला रही है। आर यू सीरियस? एक सेकंड रुक, देख भाई लड़ाई हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, मुझे पता तो बहुत पावरफुल है, बट मैं बताते इतना बोलने वाला, दो मिनट रुक जा, एक बार अपना हेलमेट उतार, एक बारी मुझे तेरी शक्ल देखने, तू मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है यार। अबे भाई ये तो बड़ा, वेट अ सेकंड,
बड़ा फ्यूचरिस्टिक नाम और शक्ल है भाई तेरी तो यार। अब हमें पता है कि भाई वहां पे अलार्म बज चुका है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। तू बता तो दे, तू है कौन एक बारी भाई, हमें नल्ला बोलना बंद कर, तू है कौन है बता एक बार जल्दी। तुम दोनों बच्चे हो मेरे सामने, चल तब भी बता देता हूँ। विजर्ड भाई ये मार खाने वाला है अभी, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मेरे दिमाग की दही हो रही है। ठीक है चल, ठीक है कोई बात नहीं, बता तू बता। कोई नहीं तू अभी वो छोड़ भाई, तू बता तू है कौन है, तेरा सीन क्या है। ऑल राइट गाइस, तो ब्लास्टर से हमारी बात हुई। ये जो बंदा है ना, ये हमें बता तो नहीं रहे कि कहां से आया हुआ है, बट इसने हमें बताया कि इसका और हमारा सेम मकसद है, उस लाइब्रेरी के अंदर जाना। इसको भी कहीं किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन निकालनी है और हमें भी किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। हमने भी इसको बताया नहीं, बात हम किसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आए हुए भाई, ठीक है ना। अब मेन बात गाइस यहां पर यह है, इसने बोला कि क्योंकि तिम्बक्तू। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मुझे किसकी याद दिला रही, तो आप लोगों को पता होगा अपना रिवर्डो, आई मीन अपना ड्रीम बॉय की याद दिला रही। क्या ये बंदर ड्रीम बॉय है? क्योंकि गाइस काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि ये ड्रीम बॉय हो सकता है, तो मुझे कमेंट करके बताना गाइस क्या ये ड्रीम बॉय हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो गाइस अब हम लोग भाई बात करने वाले हैं विजर्ड के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विजर्ड पानी के अंदर जाने से डैमेज खा रहा था, तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था? मैं समझा नहीं, तो पानी है नॉर्मल सा, एंट्रेंस कहाँ है मेरे भाई, तू क्या बात कर रहा है यार। पानी के बीच देखो कुछ है, आ जा नीचे, आ जा, लेट्स गो इनसाइड। अबे तेरे को क्या हो रहा है, ये बार में पानी के बीच क्या हो रहा है? देखो भानिकल, मैं पानी में नहीं जा पा रहा हूँ, वापस एक बारी पानी से बाहर आ जा। यहाँ पे खड़ा हो। क्या सीन हो रहा है तेरे साथ भाई, समझा नहीं मैं, तू पानी में नहीं आ पा रहा है और मुझे कुछ नहीं हो रहा भाई पानी के बीच में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि विजर्ड पानी के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो और हम लोग ये चीज़ पहले भी देख चुके हैं जब विजर्ड को पानी के अंदर जाना पड़ता था, पर ये विजर्ड पानी के अंदर नहीं जा रहे। तो आप लोग पता होगा जो पहले वाले एक बंदा भैरूपिया था, जिसका मतलब पर्पी विजर्ड, जो मतलब पर्पी विजर्ड था वही मतलब पानी के अंदर जाता था। तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि ये क्या पर्पी विजर्ड है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पानी के अंदर जाने से विजर्ड को डैमेज हो रहा है। तो मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला विजर्ड रियल है। अब गाइस मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिछले वाला विजर्ड था, जो बहरूपिया था, वो मतलब नहीं बताता इसे पानी के अंदर जाने से, और मतलब थोड़ा सा कुछ उसको होता था, आप लोगों ने देखा होगा कुछ अलग ही टाइप करता था। लेकिन गाइस ये वाला विजर्ड मतलब कि वो स्मार्टी भाई को सब कुछ बता रहा है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है बोल के। तो गाइस आप लोग मुझे गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में। तो मेरा तो ये ओपिनियन मैंने आप लोगों को बता दिया, अब फेक भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, हिमलैंड से आप लोगों को पता होगा। तो गाइस वीडियो को अभी तक अगर आप लोग देख रहे हो, अगर लाइक नहीं कर रखा तो क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट से लाइक कर दो यार, क्योंकि गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या हिमलैंड के अंदर क्या है सेनपाई स्पाइडर और गेमर फ्यूड ज्वाइन करने वाले हैं। देखो गाइस इसका आंसर मैं अपना ओपिनियन हिसाब से दूं तो यस, सेनपाई स्पाइडर ज्वाइन करने वाले हैं हिमलैंड्स को। अब मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं गेमर फ्यूड की बात करूँ तो गेमर फ्यूड भैया जो है ज्वाइन नहीं करने वाले, अभी तो नहीं करने वाले, क्योंकि इस आप लोग देख सकते हो उसके पास एक स्ट्रीम करने वाला चैनल है, मतलब अप्रोक्सीमेटली गाइस उसके पास 5-5 चैनल चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी के एसएमपी में ऐसा नहीं आ सकते। लेकिन गाइस सेनपाई जो है आने वाला है गाइस हिमलैंड्स के अंदर। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस आप लोगों ने देखा होगा रॉकी भाई ने हिमलैंड्स को ज्वाइन कर लिया, किस तरीके से ज्वाइन किया आप लोगों ने लेटेस्ट हिमलैंड्स की वीडियो में देख लिया होगा। तो जाहिर सी बात है गाइस मुझे लगता है कि सेनपाई स्पाइडर हिमलैंड्स ज्वाइन करने वाले बहुत ही जल्द। एंड आपको तो ये भी पता होगा कि होगालाल एसएमपी के अंदर ऑलरेडी सेनपाई स्पाइडर हैं, तो गाइस हिमलैंड्स में आएगा तो हिमलैंड्स बहुत ज़्यादा रिच पकड़ेगा, मतलब कि और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो आपको क्या लगता है गाइस मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगेगा अगर सेनपाई स्पाइडर हिमलैंड्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो इस काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके ये बोल रहे थे भैया आपने हिमलैंड्स की वीडियो बंद क्यों कर दी है, डालना क्यों बंद कर दिया। तो देखो इस हिमलैंड्स की वीडियो नहीं आ रही, दैट्स व्हाई मैं नहीं डाल रहा था, लेकिन गाइस मैं हिमलैंड्स की वीडियो डालना बंद नहीं कर सकता और ना ही मैं करूँगा आगे। और आप लोग देख सकते हो कि मेरे सेकंड चैनल के अंदर मैं फ्लीट भैया की वीडियोस अपलोड करता हूँ, एंड दोनों ही मेरे फेवरेट गेमर्स हैं, तो गाइस वीडियो डालना तो बनता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगता है मेरी वीडियोस। तो ये थी वीडियो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल पर और सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ ऐसे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तुम हो जहां मैं भी हूं, वहां दिल की धड़कन को सुनो।